राजधानी देहरादून का नगर निगम की बस्तियों पर टैक्स लगाने की कवायद शुरू करने जा रही है। देहरादून क्षेत्र में लगभग 129 बस्तियां ऐसी हैं जो वैध हैं। उनके 44,000 भवनों पर हाउस टैक्स नगर निगम वसूलेगा। इसके लिए बकायदा नगर निगम बोर्ड में यह प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके चलते नगर निगम को सालाना 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। देहरादून नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि पहले भी निगम के द्वारा टैक्स लिया जाता था, परंतु पिछले 2-3 वर्षों से सरकारी ऐप बंद होने के चलते टैक्स नहीं वसूला गया। इससे एक फायदा होगा कि हम जगह जगह कैंप लगाकर मैन्युअली टैक्स वसूल लेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियां हैं उनमें पहले भी टैक्स लिया जाता था, बीच में वो टैक्स किसी कारणवश जो है उनको टैक्स लेना बंद हो गया। हमने कल बोर्ड में इसको लेके आए थे, उसमें थोड़ा दिक्कत ये आ रही थी कि जो सॉफ्टवेयर जो शासन के द्वारा बना है और जो निगम का जो सॉफ्टवेयर था, शासन से ये था कि अब आप निगम का सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे, जो शासन से बना है वही चलाएंगे, तो उसमें कुछ कमियां थी, उस वजह से वो टैक्स उसमें नहीं लिया जा रहा था। अब हमने इसमें व्यवस्था करी है कि हम अपना अलग से सॉफ्टवेयर बनाएंगे, चाहे मैनुअल उनको लेंगे तो चाहे कैंप लगाकर हम उनको जो है रसीदें लेंगे।